इसका कप होल्डर खोलिए, कितने मस्त खुलेगा। तेरी तो किस तरीके से बाहर आ गया। पे हम डोर में देख लें, मेमोरी सीट भी मिल जाएगी यार। मतलब कह रहा हूँ ना मैं, Q7 से कम है ही नहीं गाड़ी है। तो मेमोरी सीट कितनी मस्त लग रही जलती हुई यार, मतलब प्रीमियम लाइट भी इतनी प्रीमियम लग रही है यहाँ। तो ये है ऑडी की Q5, ये वो गाड़ी है जिसको लेनी हो Q7 उसके मतलब पार्किंग स्पेस की दिक्कत हो, या फिर इसको लेनी हो Q3 मतलब उसकी थोड़ी छोटी लगती हो, तो Q5 परफेक्ट SUV है। इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि क्वाट्रो मीन्स ऑल व्हील ड्राइव मिल जाएगी गाड़ी, यहाँ तक कि ऑडी का लोगो मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। हेडलाइट वॉशर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, प्रोजेक्टर देखने के लिए मिल जाएंगे, सारी कुछ बात करेंगे क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। कि Q7 लेंगे तो कहीं हम पीछे फीचर मिसिंग करें, यहाँ तक कि पैनोरामिक सनरूफ भी मिलेगी। मैं दिखाऊँ आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। तो अभी इसके बारे में देखते हैं हमें कि इसका टायर साइज़ कितना है इसका। तो 17 इंच का आपको टायर साइज़ मिल जाएगा, तो आपको कहीं भी कभी महसूस नहीं होगी। चाहे फिर सेंसर की बात कर लो, यहाँ पर चारों डोर में जो क्या सेंसर मिलेंगे, यहाँ से डीजल भरेंगे इसका, कहीं भी कमी महसूस नहीं होगी। यहाँ तक कि यहाँ भी आपको AC विंट मिल जाएंगे देखने के, थोड़ा गाड़ी को कूल रखने के लिए। देख लेते हैं इसका बूट खोलकर, बूट खुलेगा इसका यहाँ से, करते हैं इसको बूट को ओपन। काफ़ी ज़्यादा यूज का बूट स्पेस है, देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा मतलब कहीं कमी महसूस नहीं होगी इसके बूट स्पेस के लिए भी यार। मतलब कहीं भी अगर आपके 5 जनों की फैमिली भी है ना, देखो स्पेयर व्हील भी इसके अंदर रखा हुआ है, सब कुछ परफेक्टली मतलब गाड़ी के अंदर नया ही है। यहाँ पे आपको पीछे लाइट मिल जाएगी देखने के लिए, कभी रात में हेल्प करेगी आपकी सही। यहाँ पे नेट का ये मिल जाएगा, सब कुछ लगा हुआ। और गाड़ी के अंदर बैठता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ अंदर क्या क्या मिलेगा। पीछे वाइपर डिफॉगर सब कुछ, ड्यूल एग्जॉस्ट मिल जाएंगे, इंडिकेटर सब कुछ जो गाड़ी में आपको चाहिए होता है सब कुछ मिल ही जाएगा इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर बैठ के जानते हैं, देखते हैं अंदर कोई फीचर मिसिंग तो नहीं है गाड़ी के, अगर कल को हम लेते हैं गाड़ी कोई फीचर मिसिंग करें हम। कि ये है इसकी की, इसको करते हैं अनलॉक, बैठते हैं गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे हम डोर में देख लें, मेमोरी सीट भी मिल जाएगी यार। मतलब कह रहा हूँ ना मैं, Q7 से कम है ही नहीं गाड़ी है, तो मेमोरी सीट भी मिल जाएगी। और यहाँ पर हमें वुडन की फिनिशिंग जो अभी तक मतलब बरकरार है, कहीं भी कमी महसूस नहीं होगी। यहाँ लाइट मिल जाएगी, तो आगे पीछे से कोई आए उसको पता लग जाए। और यहाँ पे हमें कहीं भी मतलब सारे एडजस्टमेंट मिल जाएगी, कहीं भी कमी महसूस नहीं होगी 1% भी। बैठ जाते गाड़ी के अंदर, AC विंड पे हमें क्रोम मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे डोर हैंडल पे क्रोम है, तो AC विंड पे क्रोम मिल जाएगा, यहाँ क्रोम मिल जाएगा। और इसकी मैं की दिखाऊँ, देखो पहले देखो की को कैसे लगती है इसकी की। यहाँ पे लगाई हमने और ये पुश करा हल्का सा, और ये देखो ओडी लिखा हुआ आ गया। इसी बात का भाई पैसे हैं, सीधी सी बात है। आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी इतनी बड़ी, इतनी मतलब इतने साइज में बड़ी, कहीं कमी महसूस नहीं होगी कि यार ओडी Q5 में बैठा चला गया, ऐसे Q7 में ही बैठे हो। पर हम यहाँ पे देखें ना, हर ओडी के अंदर ना, मैंने देखा है ओडी के अंदर ना सारा का सारा जो भी होता है ना, तो थोड़ा ड्राइवर की साइड होता है ये चीज़ें, मैंने देखी है, तो थोड़ा टेढ़ा है ये, यहाँ थोड़ा कम दे रखा है और थोड़ा यहाँ ज़्यादा दे रखा है, थोड़ा ना मेरी साइड को फेस की साइड, अगर आपको देख पा रहे हो कभी आप बैठो ना गाड़ी में तो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी सॉफ्ट टच हमें यहीं मिलता है, यहाँ नहीं मिलता इस गाड़ी के अंदर, बीच में आते सेंटर कंसोल में। तो यहाँ पर हम देखें इसके अंदर, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, यहाँ पे टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, बीच में हमें सारी MID सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सारी की सारी। पैनल शिफ्टर हमें देखने के लिए मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर, ओडी की बीच में ब्रांडिंग मिल जाएगी देखने के लिए। और यहाँ पे देखे सनग्लास होल्डर मिल जाएंगे, और ओडी में चलेंगे तो चश्मे पहन के चलेंगे। लाइट देखो कितनी मस्त लग रही जलती हुई यार, मतलब प्रीमियम लाइट भी इतनी प्रीमियम लग रही है। यहाँ पे देखते हैं वैनिटी में भी हमें लाइट मिल जाती है, पर हैलोजन मिलती है, LED नहीं मिलती, वो भी फिर भी मतलब मिल रही है, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे हम देखें हमें ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, एयर बैग मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर, पूरी सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। बीच के कंसोल में हम बात आ जाते हैं, यहाँ पे टच स्क्रीन हमें देखने के लिए मिल जाता है, हैजर्ड लाइट का ऑप्शन, AC वगैरह सब। यहाँ पे सीटी चेंजर तो हमें ज़्यादातर यहाँ मिलता है, देखो कितना सॉफ्ट ओपन हो रहा है, कितनी आराम से ओपन हो रहा है। तो इससे पता लगता है कि यार ऑडी को कितनी अच्छी तरह मेंटेन करा गया है, वरना ये बड़ी जल्दी नहीं चला जाता यार। अच्छी तरीके से मेंटेन करेंगे तो बड़ी आराम से आता है, देखो कितनी आराम से आ रहा है। बाकी सीटी चेंजर हमें इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, इसको कर देते हैं बंद। क्वाटर की दोबारा बैजिंग में दिखा दूँ, ये बार बार बताते हैं कि आप ऑल व्हील ड्राइव में गाड़ी चला रहे हो तो भगाओ इस गाड़ी को, इतना भगा सकते हो उतना भगाओ इस गाड़ी को। क्वाट्रो जो लिखा होता है ना, इसको भी थोड़े एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ता है, इसके लिए भी बात याद रखना। हम यहाँ पर देखें इसकी गियर नॉब, थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइप है, क्योंकि यार गाड़ी 2013 का मॉडल है, पर फिर भी गाड़ी बहुत अच्छी तरह मेंटेन करी गई है। सब बुफर हमें यहाँ भी मिल जाता है, ट्विटर वगैरह सब मिल जाएंगे इस गाड़ी के अंदर। बीच में आ जाते हम यहाँ पे ओडी का मल्टीमीडिया लिखा हुआ है, यानी ओरिजिनल है इस गाड़ी के अंदर। देखो कितना आराम से खुलेगा, इसको हम बंद करेंगे देखो कितना आराम से बंद हो रहा है, मतलब परफेक्टली वर्क कर रहा है ये। और यहाँ पर हम बीच में देखें सारे मतलब जो AC मतलब कंट्रोल हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, नेविगेशन इन्फॉर्मेशन, और जिसका पार्किंग ब्रेक भी हमें ऑटो मिल जाएगी देखने के लिए, ऑटो हील्ड मिल जाएगा। और यहाँ का मैं इन्फॉर्मेशन बताऊँ तो ये भी सारी मिल जाएगी, स्पोर्ट्स मोड भी, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाएगा यार, क्वाटर है तो स्पोर्ट्स मोड भी मिलना है। बाकी ये भी आपको गियर नॉब लगा के देंगे अगर आप गाड़ी लेते हो तो, गाड़ी क्योंकि सेल पर है ये। यहाँ पे कप होल्डर मिल जाएंगे, और यहाँ पर हम देखें तो अच्छा खासा स्पेस हमें देखने के लिए मिल जाएगा।
ये भी सॉफ्ट टच है। और पीछे का स्पेस जानते हैं भाई, पीछे कैसा स्पेस है इसका, चलते हैं पीछे। तो बिठा दिया हमने अपने दोस्त को पीछे और इसको देखते हैं भाई कैसा स्पेस लग रहा है। पहले तो भाई लेग रूम बताओ, क्योंकि हम इसको कर रहे हैं ऑडी Q7 से कंपेयर, तो कैसा लेग रूम लग रहा है? क्योंकि भाई पूरी प्रॉपर पीछे सीट आप देख सकते हो, पूरी पीछे करी हुई है सीट इस भाई ने। और देखो लेग रूम कैसा है भाई, बता। और हेडरूम वो भी देखो काफी ज्यादा, आपको लिख रहा है काफी ज्यादा अच्छा हेडरूम है इसका। और यहाँ पे देखो हेड रेस्ट भी मिल जाएगा, और जिसका कप होल्डर खोलिए कितने मस्त खोलेगा। अतेरी तो किस तरीके से बाहर आ गया है ये। एयर बैग आपको देखो यहाँ भी मिल जाएंगे, मैं आपको दिखाऊँ तो एयर बैग, हाँ यहाँ लिखा हुआ एयर बैग आपको, प्लस सेफ्टी का तो पूरा ध्यान रखा गया। और इनबिल्ड इसमें कर्टन आते हैं, करिए इसको ऊपर यार, इनबिल्ड इसके अंदर कर्टन आते हैं, मतलब पूरी सेफ्टी भी रखी गई है यार। कोई पता होगा भाई इतनी महंगी गाड़ी बंदा चला रहा है तो भाई, हाँ भाई उसको सेफ्टी चाहिए ही चाहिए। तो कैसी लगी तुझे Q7 की फील में? बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। ये भी कितने ज्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं ना, उसका पीछे देख, सर लगा देख, कितने ज्यादा अच्छे हैं यार, पीछे भी है ना। तो चलो भाई इसी के साथ करते हैं वीडियो को, है कैसी लगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। और ऐसे ही कंपैरिजन देखने के लिए, पुरानी गाड़ियों को देखने के लिए, नई गाड़ी के अभी शोरूम लोग मुझे अलाउ नहीं कर रहे कि यार बनाने दो ये वो, जाते हैं बात करते सीधा लोग मना कर देते हैं यार नहीं हमें बनाने नहीं देंगे, क्योंकि यार इतने सब्सक्राइबर नहीं है। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो, लोग सब्सक्राइबर देखते हैं, व्यूज नहीं देखते लोग सब्सक्राइबर देखते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो भाई को यार, थोड़ी हेल्प कर दो इसी चीज़ के लिए। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बढ़िया सी गाड़ी के साथ।